हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल थ्योरी बुक ग्रेड 11 से। जब हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पर अलग अलग संस्कृति को मानने वाले अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट ये कैसे विश्वास करे कि उसके हर नागरिक को जो है बराबरी का दर्जा मिल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले चैप्टर में भी उठा था। अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है इसे इससे इसका जवाब ढूंढ पाएं। इंडिया में सेकुलरिज्म का जो विचार है ये आप कोई भी पब्लिक डिबेट उठा लो, कोई डिस्कशन कर लो, हर वक्त आपको मिलेगा। लेकिन तब भी इसमें कुछ ऐसी चीज है जिस तरह से एक जो हैरान करने वाली है, जिस तरह की अवस्था हमारी सेकुलरिज्म की कंट्री के अंदर है। एक तरफ तो पॉलिटिशियन जो है इसकी कसम खाते हैं कि वो धर्म निरपेक्ष रहेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है, दावा करती है कि नहीं वो तो सेक्युलर हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे तनाव जो हैं, सारी परेशानियां इस सेक्युलरिज्म के अराउंड ही होती हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो सेक्युलरिज्म को जो चैलेंज कर रहे हैं वो खाली जो रिलीजियस लीडर्स हैं या रिलीजियस नेशनलिस्ट हैं वो ही नहीं कर रहे, बल्कि पॉलिटिशियंस, जो समाज सेवी हैं या कुछ जो विद्वान लोग हैं वो भी जो है इसको चैलेंज करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें कुछ इस तरीके के सवाल हैं जिनको जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेकुलरिज्म होता क्या है? क्या सेकुलरिज्म कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से आई है हमारी कंट्री के अंदर, जहां रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है लोगों की जिंदगियों पर, वहां ऐसे समाज के लिए सेकुलरिज्म क्या सही है? ये भेदभाव वाला है? क्या ये जो माइनॉरिटीज़ में लोग होते हैं उनको ज़्यादा फेवर करता है, या फिर सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस है? तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम यही समझेंगे और जानेंगे कि सेकुलरिज्म की क्या वैल्यू है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जैसी हमारी कंट्री है इंडिया, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म और बाकी कंट्रीज के मुकाबले कितना अलग है। तो सबसे पहले आता है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यूरोप के अंदर कई सदियों से आज का जो प्रेजेंट स्टेट है इसराइल, वहां पर ज्यूज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन तब भी जो अरब माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, उनको समाज से एक तरह से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, आर्थिक तौर पे जो भी फायदे हैं वो ज्यूज सिटीजन को तो मिल रहे हैं लेकिन अरब माइनॉरिटीज को नहीं मिल रहे। तो छोटे छोटे फॉर्म के ये जो भेदभाव हैं ये लगातार चले आ रहे हैं नॉन क्रिश्चियंस के खिलाफ यूरोप के कई सारे हिस्सों में। इसी तरीके से हमारे से जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर भी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देख कर हमें ये समझ में आता है कि सेकुलरिज्म की जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के लिए भी, और साथ ही साथ जो आजकल की दुनिया का समाज है उसके लिए भी। एक तरीका जिससे ये जो धार्मिक भेदभाव है इसको रोका जा सकता है वो ये है कि अगर साथ में मिलके एक समझौता कर लिए कि सब लोग जो हैं वो साथ मिलकर इस धार्मिक भेदभाव को रोकेंगे। एजुकेशन सबसे अच्छा तरीका है लोगों की जो विचारधारा है उसको बदलने का। पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिससे कि अगर ये दर्शाया जाए कि देखो किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक एक कंट्रीब्यूशन कर सकता है धारणा को जो पहले से बनी हुई है वो रोकने के लिए, कम करने के लिए, साथ ही साथ समुदाय को लेकर जो शंकाएं होती हैं उनको कम करने के लिए। हमेशा बहुत प्रभावशील रहता है, मोटिवेशनल रहता है अगर हम उन स्टोरीज को पढ़ें, खास तौर से कि हिंदूज ने किस तरीके से मुस्लिम की रक्षा करी या मुस्लिम ने किस तरह से हिंदू की रक्षा करी जब सांप्रदायिक तौर पर दंगे भड़के हुए थे। लेकिन कहने को एजुकेशन और कुछ लोगों की अच्छाई जो है, ये जो धार्मिक तौर पर भेदभाव है इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें स्टेट के पास बहुत सारी पब्लिक की एक तरह से ताकत है। अब किस तरह से ये फंक्शन करती है ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है कि अगर कोई भी जो संघर्ष हो रहा है उसका रिजल्ट जो है इस तरीके से निकले कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट कम हो और साथ ही साथ धार्मिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो। इसीलिए हमें ये देखना होगा कि किस तरह के स्टेट की हमें ज़रूरत है ताकि हम जो धार्मिक तौर पे दंगे होते हैं उनको रोक सकें और एक धार्मिक जो भाईचारा है उसको बढ़ा सकें। अब कैसे एक स्टेट जो है किसी भी धार्मिक ग्रुप का जो डोमिनेशन है उसको रोक सकता है, कम कर सकता है?
तो सबसे पहले शुरुआत ये होनी चाहिए कि जो स्टेट है उसको कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म का लोग या हेड जो है वो नहीं चलाएं। स्टेट वो जो डायरेक्टली किसी धर्म के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं उन्हें थियोक्रेटिक कहते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट्स जैसे कि पैपल स्टेट्स यूरोप का था मिडिवल टाइम्स में, या आज की डेट में तालिबान कंट्रोल स्टेट्स हैं, यहाँ पर धार्मिक और जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, और इसी वजह से ये अपनी रैंकिंग, अपने अत्याचार या किसी और रिलीजियस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए ये लोग रोकते हैं, विरोध करते हैं। अगर हम पीस को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को इतनी ज़्यादा महत्वता देते हैं तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनका अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर स्टेट और रिलीजन को अलग अलग कर दिया जाए तो वो काफ़ी होगा एक सेकुलर स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो नॉन थियोक्रेटिक कल्चर पर बेस्ड हैं और उनकी आज भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ ज़्यादा जुड़ाव है। जैसे इंग्लैंड में जो स्टेट है 16 सेंचुरी में वो किसी प्रीस्टली क्लास से नहीं चलता था, लेकिन हाँ वो एंग्लिकन चर्च का या उनके मेंबर्स का बड़ा फेवर करते थे। तो इंग्लैंड ने इसीलिए एक एंग्लिकन रिलीजन को स्थापित किया और वही उनका जो है ऑफिशियल रिलीजन बन गया। पाकिस्तान का भी अपना एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है जिसका नाम है सुन्नी इस्लाम। अब इस तरह के जो रेजिमीज होते हैं यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि अंदरूनी तौर पे कोई कलह हो या फिर धार्मिक तौर पर एक बराबरी हो। अगर आप पूरी तरीके से सेकुलर रहना चाहते हैं तो स्टेट जो है वो खाली थियोक्रेटिक होने से ही ना मना करे, बल्कि उसका किसी भी रिलीजन के साथ चाहे फॉर्मल तरीके से हो या लीगल तरीके से हो जुड़ाव नहीं होना चाहिए। अगर रिलीजन स्टेट जो है वो सेपरेट होगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रिलीजन स्टेट जो है वो सेपरेट हो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहा जाए कि सेकुलर स्टेट के लिए काफ़ी है तो ऐसा नहीं है। सेकुलर स्टेट को पूरी तरह से कमिटेड होना चाहिए उन प्रिंसिपल्स के लिए, गोल्स के लिए जो कुछ हद तक नॉन रिलीजियस सोर्सेज से लिए गए हैं। अब इसमें शामिल होते हैं पीस है, रिलीजियस फ्रीडम है, फ्री जो रिलीजियस तौर पे अत्याचार होते हैं उनसे आज़ादी है, या भेदभाव करना, बहिष्कृत करना, या फिर इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी से। अब इन एंड्स को प्रमोट करने के लिए स्टेट को पूरी तरह से अपने आप को जो ऑर्गेनाइज रिलीजन होते हैं उससे सेपरेट करना होगा, और या उसके इंस्टीट्यूशन से अपने आप को अलग रखना होगा, क्योंकि कुछ हद तक इन वैल्यूज़ के लिए आपको अपना अलग रखना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि ये सेपरेशन जो है ये एक पर्टिकुलर फॉर्म ले लेगा। इसका जो नेचर है, इसका जो एक हद है सेपरेशन की, वो अलग अलग फॉर्म्स ले सकती है। डिपेंड करता है कि इसकी क्या स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जिसको ये प्रमोट कर रहा है, या किस तरीके से इन वैल्यूज़ को सामने रखा जा रहा है। अब इसीलिए हम दो यहाँ पर कॉन्सेप्शंस को कंसीडर करेंगे। एक वेस्टर्न कॉन्सेप्शन है जिसको अमेरिकन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है जिसको इंडियन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।